हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक माँ की कहानी है और आप जानते ही हैं माँ की ममता प्यार दुलार को शब्दों में जितना ही बयां करे उतना ही कम है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बच्चा और उसकी माँ रहती थी। बच्चे के पिता नहीं थे, उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे को पाल रही थी। समय बीतता गया, एक दिन ऐसा आया कि बच्चा बड़ा हो चुका था। एक दिन उसकी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, तुझे नौकरी कर लेनी चाहिए। बेटे ने जवाब दिया, जी माँ, मैं कल ही नौकरी के लिए जाऊंगा, मैं भी यही सोच रहा था। दूसरे दिन वो लड़का नौकरी के लिए जाता है और फिर कुछ दिन के बाद वापस लौट के आ जाता है। उसकी माँ अपने बेटे से पूछती है, क्या हुआ बेटा, नौकरी नहीं मिली? बेटा उदासी के साथ कहता है, नहीं माँ, मुझे नौकरी नहीं मिली। बेटे के चेहरे पे वो उदासी देखते हुए माँ अब जिद करने लगी कि क्या हुआ बेटा, तू बताना, तू क्यों उदास है? बहुत जिद करने के बाद उसके बेटे ने जवाब दिया कि माँ, मैं फौजी की नौकरी के लिए गया था, उन्होंने मुझे यह कह के निकाल दिया कि तुम्हारे घर में एक बूढ़ी माँ है और तुम्हें इसलिए नौकरी नहीं दी जा सकती है क्योंकि तुम हमेशा छुट्टी मांगोगे कि मेरे माँ का तबीयत खराब है, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ को पैसे देने हैं। अब माँ जैसे ही यह बात सुनती है हंसते हुए बोलती है, अरे तुम इतने से बात पे उदास हो, किस ऑफिसर ने तुमसे यह बात कही, उस ऑफिसर का नाम बताओ। बेटा अब वो उस ऑफिसर का नाम बताता है। ऑफिसर का नाम सुनते ही उसकी माँ हंसने लगती है और कहती है, धत पगले, वो तो तेरे पिता के दोस्त हैं, मैं तुझे एक चिट्ठी लिख के देती हूँ, तू उन्हें ले जाके दे देना, वो तुम्हें नौकरी दे देंगे। बच्चा यानी कि उस माँ का बच्चा, वह लड़का वो उस माँ की बेटा, दूसरे दिन वह चिट्ठी लेके रवाना होता है। कुछ दिन के बाद वह उस ऑफिसर के पास पहुंचता है और वो चिट्ठी दे देता है। वो ऑफिसर वो चिट्ठी पढ़ते ही रोने लग जाता है। जानते हो क्यों दोस्तों? क्योंकि उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि ऑफिसर साहब, मैं अपने बेटे को बहुत ही गरीबी हालत में देख चुकी हूँ, वह गरीबी को बहुत झेल चुका है, अब मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे की जिंदगी में कोई दुख आए, बस मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुशहाल रहे और आपसे कृपया है कि आप मेरे बेटे को नौकरी दे दीजिएगा, क्योंकि जब तक ये चिट्ठी आपके पास पहुंचेगी मैं अपनी जान दे चुकी रहूंगी। और क्या कहते हैं ना, दवा काम ना करे तो नजर उतारती है, दवा काम ना करे तो नजर उतारती है, माँ है साहब वो कहाँ हार मानती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये कहानी बहुत ही पसंद आई होगी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।